स्प्लेंडर। ये हमारी नई बछेरी है तोप, इसको ट्रेनिंग में लिया गया है रेवाल के लिए। इसके कुछ बेसिक्स है जो मैं समझ पाया हूँ। पहले तो इसको नए घोड़े को लगाम देके आप नीचे से चलाते हो, वॉक कराते हो। जो बिल्कुल ही ग्रीन हॉर्स है उसको लगाम की भी कोई समझ नहीं रहती, तो उसको पहले वॉक चलाते हैं नीचे से। आप शायद नोटिस कर पाए, इस लगाम की पोजीशन से घोड़ा एक साइड के दोनों पैरों से चलेगा, दोनों पैर एक साइड से उठाएगा। ये 4 या 5 दिन इसको नीचे से ऐसे चलाते हैं इन हैंड ट्रेनिंग। एक तो इन द मीन टाइम घोड़ा लगाम को समझ जाता है, लगाम के प्रेशर को समझ जाता है और आदमी के सामने सरेंडर हो जाता है, तो उसको ज़्यादा आपको मारने की, परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको नॉर्मली छोटी चाल बोलते हैं। ये थोड़ा आप वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस तरह की जो चाल है, एक साइड से पैरों से चलते हैं घोड़े जब स्पीड में चलते हैं, तो उसको सिंधी चाल भी बोलते हैं, पेस भी बोलते हैं। मगर ये देखिए, अब थोड़े से इशारे से ही घोड़ी इस बात पे आ गई है कि मुझे एक साइड के पैरों से चलना है। जब घोड़ी नीचे से एक साइड से चलने लग जाए, फिर जो ट्रेनर हैं वो इसके ऊपर बैठते हैं। ये छोटी चाल बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट जो फेज़ आएगा इसका, वो आएगा रेवाल का। रेवाल माने सिंगल फुट गेट, जिसमें 3 पैर हवा में रहेंगे और 1 पैर ज़मीन पे टच करेगा। वो घोड़े के लिए तो शायद अनकंफर्टेबल हो या ना हो, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं घोड़ा नहीं हूँ, मगर सवार के लिए वो बहुत आसान रहती है। और ऐसा नहीं है कि जो रेवाल या सिंगल फुट गेट इंडिया या पाकिस्तान में चलती है, ये पूरी दुनिया में गेटेड हॉर्सेस हैं। और अमेरिका में तो इसके लिए स्पेशल ब्रीड बनाई गई है जिसका नाम है सैडल ब्रेड हॉर्सेस, लंबी सवारी के लिए ही बनाए गए हैं वो। ये काफ़ी मेहनत का काम है, घोड़े के साथ चलना भी तेज़ होता है आपको, और पैरों पे भी ध्यान रखना है कि वो सही से ये चाल परफॉर्म कर सके। ये बेसिक है। 5 दिन ये राइड करने के बाद फिर ऊपर से इसको इसके ऊपर बैठा जाएगा। अगर इसको ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए हैं, तो आज हम इसके ऊपर भी आपको हमारे जो उस्ताद जी हैं जुगल सिंह जी, ये बैठ के दिखाएंगे। और तकरीबन 4-5 दिन ये इसको चलाएंगे ऊपर बैठ के इसी छोटी चाल में, और उसके बाद फिर इसको सिंगल फुट गेट में या रेवाल में लेके आएंगे जी। वो भी लगाम के इशारे की गेम है, लगाम की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, उससे घोड़ा सिंगल फुट गेट में आ जाएगा। और साथ ही घोड़े को ये भी सिखाया जाता है कि ये जैसे हाइट में बड़ी घोड़ी है, तो राइडर अगर उतर जाता है और वो विदाउट सैडल राइड कर रहा है या बेयर बैक कर रहा है, तो वो किसी प्लेटफॉर्म जैसी जगह पे रुक जाए और सवार को बिठा ले आराम से। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इसको सिखाई जाएंगी और सब चीज़ें, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी घोड़े के लिए। नए बछेरे या बछेरियाँ जो होल्ड एंड फिलीज हैं, उनको ये सब चीज़ें बड़ी अजीब लगती है। काफ़ी टाइम देना पड़ता है उनको ये बातें समझाने के लिए कि हम इस समय क्या चाह रहे हैं, राइडर की विल क्या है। बस आओ, वेरी गुड जुगल जी। जुगल जी उम्र में 50 साल के होंगे, मगर फुर्ती जुगल जी की अभी भी ज़बरदस्त है। ये रस्सी खोलो।
टेटी लगाम तो कट के लपेट दे। नहीं यहीं से खोल लो, गांठ खोल दो फिर। टेटी पैर तो बची थलो रस्सी कलेक्ट करके रख। हाँ पैर में ना आ जाए। हाँ आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर चढ़ जाएगी जो गली आराम से। हाँ चल बस बेटी बस बेटी। ना 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 अपने हाथ में ले ले, रस्सी जरूरत ही नहीं है। रस्सी तो एक सेफ्टी मेजर है खाली। अब यही काम जो ऊपर से घोड़ी करेगी, इस प्रोसेस में 10 से 15 दिन वैसे लगते हैं। कुछ घोड़े तो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, मगर नॉर्मली एक अच्छे सवार के नीचे घोड़ा 10 से 12 दिन ही टिकता है, फिर वो थकावट के साइन शो करने लग जाता है। बड़ा ये पेशेंस का काम है, और जो इम्पेशेंट सवार हैं या ट्रेनर हैं वो इन चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं घोड़ों को जल्दबाजी में। अब आप नोटिस कर सकते हैं, पहले उसको थोड़ा वॉक में चला के, जब भी वो इसको थोड़ा इशारा देंगे तो घोड़ी सेम स्टाइल में चलेगी। भी थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रही है घोड़ी, मगर सेकंड राउंड में शी विल बी फाइन। बहुत प्यार से ये चाल चल के दिखाएगी। मुझे ये सब चीज़ें सीखने में ये क्या करते हैं कई साल लग गए। पहले तो आदमी एक अच्छे घोड़े पे बैठ के खुद को बहुत बड़ा सवार समझने लगता है, मगर जब धीरे धीरे आप किसी काम की बारीकियां समझते हो तब जाके ये हम समझ आती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। नए आदमी को तो ये भी नहीं पता चलता कि ये नीचे से इसको क्या करा रहे हैं। अभी भी ये बछेरी का ध्यान ज़्यादा नहीं है घोड़े इसमें काम में अपने, क्योंकि ये थोड़ा हीट में भी है। हीट भी घोड़ियों को बड़ी डिस्टर्ब करती है। ये बात अब आप पैरों से मैं दिखाता हूँ आपको। सिंधी घोड़े सेम चाल में बहुत स्पीड से चलते हैं। इस चाल में आपको पीठ के ऊपर भी आप बैठे होंगे तो एक लेफ़्ट राइट साइडवेज एक आपको झूला टाइप महसूस होगा बॉडी में। कभी आपकी बॉडी उधर जाएगी कभी उधर जाएगी, मगर जब आप रिवाल में आ जाओगे तो आप स्ट्रेट बैठोगे। कहा जाता है कि फॉरेन में भी कहा जाता है कि लोग अपना टकीला शॉट लेके घोड़े के ऊपर बैठ जाएं, वो नहीं गिरेगा, इतना घोड़ा कम्फर्टेबल हो जाता है। ये आप बस यही चीज़ सीखने वाली है, पैरों पर गौर करना है कि पैर घोड़ा किस पोजिशन में ला रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो जब ये सिंगल फुट गेट में आ जाएगी तब मैं किसका बनाऊंगा, उसके लिए अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। अभी भी थोड़ा घोड़ी अपनी मर्जी से मुड़ रही है, क्योंकि इसको बिल्कुल ही सिंपल बिट से चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कांटे वाली बिट है या कुछ और है, मगर ये पेशेंस की गेम है, तो सवार ने उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं दी है और उसको सिर्फ मोड़ा है। नॉर्मली कई लोग गलती करते ही घोड़े को कोड़ा दे देते हैं। मैं जुगल जी की यही बात पसंद करता हूँ कि ये बड़ी पेशेंस से काम करते हैं। ठीक है जी, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, 3-4 दिन में वो मैं आपको दिखाऊँगा।